वेलकम गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएस नर्सिंग आरएचएस इंफॉर्मेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल यानी बीआरटी बीएमएलटी के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे कि बीएस नर्सिंग का सेकंड काउंसलिंग कब होगा। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, हम एडमिशन वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद नर्सिंग वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। तो पहले हम पैरामेडिकल का देख लेते हैं। तो नीचे दे रखा है सेकंड नंबर पर राजस्थान एडमिशन ऑफ पैरामेडिकल कोर्स, तो इसमें बीआरटी बीएससी यानी एमएलटी, और तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हो प्रोविजनल सेकंड राउंड अलॉटमेंट लेटर लिस्ट 3/5/2022, तो आपका सेकंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। तो आपको अलॉटमेंट लेटर किस प्रकार से डाउनलोड करना है, रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग किस प्रकार से करवानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग में लगते हैं, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हो प्रिंट अलॉटमेंट लेटर फॉर सेकंड राउंड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपको फॉरम नंबर डालना है और पासवर्ड आपको डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना, आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। और आप देख सकते हो ये अलॉटमेंट लेटर जो कि सभी के यहाँ पर आ चुके हैं सेकेंड राउंड के। तो जो भी आपका नाम हो, फोन नंबर हो, उसके अनुसार आप यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर देख सकते हो, यानी कौन सी कॉलेज आपको कौन से कोर्स के लिए मिली है, सब कुछ यहाँ पर दिखा रखा है। जिन स्टूडेंट ने सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लिया है उन सभी को यहाँ पर कॉलेज मिली होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ कॉलेज यहाँ पर दी गई है। अगर आप ये पीडीएफ को पूरा पढ़ना चाहते हो तो हमने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ये अलॉटमेंट लेटर है आपका, तो आप देख सकते हो पहले फॉरम नंबर है, उसके बाद आपका नेम आएगा और आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आएगा, और मेरिट लिस्ट में कितने नंबर आए थे, और आपको कौन सा कोर्स के लिए कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, ये सब कुछ इसमें बता रखा है, यानी अलॉटमेंट लेटर है। तो वो तो सभी के लिए था, लेकिन आप पर्सनली अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना चाहते हो तो अभी हमने आपको बताया था प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, और आपको फोन नंबर और पासवर्ड फिल कर देना है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर अभी काउंसलिंग का कोई भी शेड्यूल नहीं आया है, बट हम आपको बता दें काउंसलिंग के लिए आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और जो अभी आपको अलॉटमेंट लेटर प्राप्त हुआ वो आपके पास होना चाहिए, और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है जो भी आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर गवर्नमेंट डॉक्टर के सिग्नेचर करवा कर बनवा सकते हो। इन सभी के बिना आप रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते हो। तो रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग का जैसे ही डेट आएगा हम आपको बता देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके। तो आपका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लें। अब हम बात करते हैं बीएस नर्सिंग पोस्ट बेसिस बीएस नर्सिंग और एमएस नर्सिंग के बारे में। तो बीएस नर्सिंग पर हमने क्लिक कर लिया है। जैसे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी तक कोई भी नोटिस जो कि काउंसलिंग के रिगार्डिंग नहीं आया है। यहाँ पर अलॉटेड आर सब्जेक्ट और फाइनल आउटकम ऑफ केसेस पेंडिंग इन हाई कोर्ट राजस्थान ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर यही नोटिस आया था उस दिन कि अभी तक आपके कुछ केस पेंडिंग में पड़े हैं। जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आया था उसमें अभी तक कुछ कॉलेज के अलॉटमेंट लेटर जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं किए गए हैं उसका केस पेंडिंग में पड़ा हुआ है, इस कारण आपका सेकंड काउंसलिंग नहीं हुआ है। सेकंड काउंसलिंग बहुत जल्द होने वाला है, जैसे ही होगा हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको पता चल सके। और दोस्तों, अगर आप पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ बुक्स और मॉडल पेपर लेना चाहते हो बिल्कुल फ्री, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बीएस नर्सिंग डीएमएलटी बीएमएलटी सीएमएलटी पैरामेडिकल एएनएम जीएनएम सभी के यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स पीडीएफ बुक्स मिल जाएंगे। आपको फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप फाइल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर पीडीएफ बुक्स, पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ मॉडल पेपर सब कुछ यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, जो आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसका कोई भी चार्ज आपका लगने वाला नहीं है। तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर भी ज्वाइन हो जाइए, उन पर भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि बीआरटी एमएलटी का आपका अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर सकते हो पैरामेडिकल का। और हमने बीएस नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में भी आपको बता दिया, आपको पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ बुक्स और मॉडल पेपर किस प्रकार से लेना है बिल्कुल फ्री, वो भी हमने आपको बता दिया है। इस चैनल पर आपको बीएस नर्सिंग, एमएस नर्सिंग, फार्मेसी, डीएमएलटी, पैरामेडिकल सभी प्रकार की न्यूज एंड अपडेट मिलती रहती है, जैसे एग्जाम से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड। इसके अलावा आपका किसी प्रकार का कोई सा भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।